अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ कपशप नाइट्स। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा अमीन और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्होंने हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क में भी मुस्कुराहटें बिखेरी हैं और बहुत ही अच्छे कॉमेडियन हैं और इसके साथ साथ होस्ट भी बड़े अच्छे रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो उन्हें आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और खूब सारी गपशप भी करेंगे उनके साथ, काशिफ खान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपको कैसा लग रहा है? बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, हमेशा बड़े अच्छे लगते हैं या कोई छोटे भी अच्छे लगते हैं? नहीं, जो बड़े होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं और जो छोटे होते हैं वो छोटे अच्छे लगते हैं। तो मुझे आप छोटा समझे, आप बड़ी बन जाएं। मैं बड़ी बन जाऊँ? चले ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप बड़ी अच्छी हैं और मैं छोटा था। आप छोटे अच्छे हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं सबसे पहले तो कि लोगों को हंसाना कितना मुश्किल काम है, वो भी आजकल के दौर में जब लोग आपको अफसरदा देखना चाहते हैं। असल में हंसाना तो काम ही नहीं है ना। हाँ, असल काम है हंसना। अगर आप हंसना चाहते हैं तो किसी भी बात पे हंस सकते हैं। हंसाना तो कोई जॉब, लेकिन उसके लिए मूड भी तो अच्छा होना चाहिए ना। हाँ, इरादा होना चाहिए। अगर आपने इरादा बना लिया है तो फिर आप हंसे, एंजॉय करें, मजे करें। छोटी से छोटी बात भी जो है आपको बहुत ज्यादा हंसा देगी, लेकिन अगर आप ढीठ बन गए और आपने हंसना ही नहीं है तो फिर आप कितनी कोशिश कर लें, आप नहीं हंस सकते। सही। आपको नहीं लगता कि आजकल जो लोग अफसरदा होते हैं और सैड सैड मोड में होते हैं, लोग उनको ऐसे ही देखना पसंद करते हैं? जहाँ जरा से खुश होते हैं मुझे लगता है लोगों को आग लग जाती है, डोंट यू थिंक सो? देखिए, मेरे ख्याल से तो आपको खुश रहना चाहिए ताकि लोगों को नो मैटर व्हाट आग लगी रहे, आग लगती रहे, लेकिन आग लगने की जगह मुख्तलिफ। आप किस किस तरह से आग लगाते हैं जरा ये बताइए। देखिए, मैं वही बात बता रहा था कि आग जो है ना, एक तो आग लगती है वो जो दिल में लगी होती है ना। आग आपके दिल में कैसी आग लगी हुई है ये बताएं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक आग कितने किस्म की होती है। एक आग वो होती है जो दिल में लगती है, ठीक है, वो हसद की भी हो सकती है, जलन की भी हो सकती है, मोहब्बत की आग भी हो सकती है जो बहुत ज्यादा। एक आग वो होती है जो दिल के अलावा भी लग रही होती है, तो वो वही वाली आग है जो आप बता रही थी कि जब आप खुश होते हैं तो दूसरे को आग, जो दूसरों को आग लगती है वो दूसरी वाली आग है जो दिल में नहीं लगती। ठीक है, मुझे ये भी बताएं कि आपको कैसे और कब लगा कि आप जो है एक अच्छे कॉमेडियन बन सकते हैं और अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं? खुद से आपको ये एहसास हुआ या किसी ने आपको बताया? अच्छा, कि यू आर अ गुड कॉमेडियन? कॉमेडियन बनना मैं नहीं चाहता, लेकिन वो सुना होगा ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। हाँ। तो हालात ने बना दिया। वो हालात ने इस सेंस में बनाया कि भाई जब मैं इतना अफसरदा हूँ तो मुझे अपनी अफसरदगी को ख़त्म करने के लिए हंसी की ज़रूरत है। राइट। तो जब ये लिबादा मैंने ओढ़ा तो मुझे लगा कि अरे इसकी ज़रूरत मुझे नहीं बल्कि तो ज़माने को है। आप तो अफसरदा थे? हाँ हाँ। किस चीज़ को लेके? कोई वजह थी ऐसी लाइफ में जिसने आपको अफसरदा कर दिया? हालात, हालात, हालात व वाक़ियात, हरकत सकनात, आदत व अतवार, तहज़ीब व अक़दार और अफ़आल व किरदार। सही। अच्छा, मुझे आपसे ये भी जानना है कि आपने अपने करियर की शुरुआत कॉमेडी से ही की थी या आप कुछ और बनना चाहते थे, मॉडल बनना चाहते थे, एक्टर बनना चाहते थे? एक्टिंग की ऑफर हुई है आपको कभी? असल में मैं जो है वो मॉडलिंग का शौक लेकर आए थे हम। ओके। और उसके लिए एक जमाना था जब कैट वॉक्स भी होती थी ना, रैंप मॉडल जिसे कहते हैं। जी। तो हमने कुछ एक दो फैशन शोज किए। ओके। लेकिन वो ये होता है कि हमें लगा कि ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ से मूव करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स जो थी वो हमारे मुताबिक नहीं थी या हम उनके मुताबिक नहीं थे। लेकिन उससे ये हुआ कि कैमरा फेस करना आ गया तो फिर मैं एक्टिंग की तरफ गया। मैंने पीटीवी के कुछ 7-8 सीरियल्स तो किए हैं उस जमाने। एंड यू स्टार्टेड योर करियर विद पीटीवी? जी बिल्कुल। और बच्चों का एक ड्रामा सीरियल आता था तो उसमें मैं जो है वो एज ए चाइल्ड स्टार आप समझ लीजिए उसमें काम करता था। लेकिन फिर ये हुआ कि पीटीवी में भी मुआवजे एक तो कम और फिर दूसरा एप्रिसिएशन की थोड़ी सी कमी हो गई। हमें लगता था कि कितना होता था वैसे उस वक्त उस जमाने में? देखिए, आज के जितना ही है। हाँ। एक जैसा ही है। हाँ। मेरा पहला चेक शायद 80 रुपए का बना था ऐसे कुछ था। लेकिन अब तो 80 रुपए नहीं है। नहीं, अब शायद 400 रुपए होगा।
नहीं आई थिंक अच्छा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लाइक आई वंस वेंट देयर बल्कि नॉट वंस दो चार दफा गई हूँ एज अ गेस्ट तो 7-8 हज़ार रुपए तो मिल ही जाते हैं। अच्छा देखिए आप गई हैं एज अ गेस्ट जी और आप सेलिब्रिटी गेस्ट हैं राइट हम उस वक्त बिगिनिंग में थे ना तो आज के दौर में भी अगर कोई छोटा रोल करता है तो उसको 1,000-2,000 ही मिलते हैं। अच्छा ये हमारा शिकवा नहीं है हाँ। लेकिन ये कि पीटीवी एकेडमी था उसने सिखाया और कैमरा फेसिंग और बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो थे जिनके साथ हम काम करते थे वो काम बताते भी थे कि ऐसे काम करना है और ऐसा करना है तो वो से हमने सीखा। फिर ये हुआ कि मज़ा नहीं आ रहा जिंदगी में हाँ। फिर लाइव शोज की तरफ आए लाइव शोज में एंकर करते थे स्टेज इसमें मैं एंकर करता था और बहुत सारे शेर याद थे लेकिन फिर वही बात के मोनोटोनस सी हो रही थी लाइफ में एप्रिसिएशन नहीं था ये काम तो कोई भी कर सकता राइट फिर मिजाज की तरफ सही और आपने पर्सनली हर काम को एंजॉय किया जी अभी भी हम एंजॉय कर रहे हैं और मैं अगर आपसे जानूं कि सबसे फेवरेट आपने ऐसी क्या चीज है जो आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं यू एंजॉय होस्टिंग और स्टेज शोज और व्हाट तो लाइव ऑडियंस लाइव ऑडियंस को जब हम एंटरटेन कर रहे होते हैं और वहाँ से जो स्पॉन्टेनियसली जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है वो बड़ा मजा राइट राइट अच्छा स्टेज शोज के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी एक कामयाब कॉमेडियन बनने के लिए एक स्टेज परफॉर्मर बनने के लिए आपको क्या लगता है कि कौन सी क्वालिटीज एक इंसान में होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। देखिए आपने सुना होगा हर कामयाब आदमी के पीछे जी एक औरत होती है सुना है जी आपके पीछे नहीं मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको किसी भी फील्ड में कामयाब होना है तो इश्क कर ले आप ओके आपने भी किया कि हाँ हो जाता है शादी से पहले हुआ आपको हाँ, इश्क वो तो हो जाते थे लेकिन मैं फिर इश्क में धोखा हुआ जब ये आप अफसुर्दा हुए इस तरह का कुछ हुआ इश्क में धोखा वोखा नहीं हुआ फिर वो ये हुआ कि हमें कोई अच्छा लगता था उसको हम नहीं अच्छे लगते थे और हम जिन्हें अच्छे लगते थे वो हमें अच्छे नहीं लगते थे तो डंप और डिच का सिलसिला चलता रहता था वो चलता रहा तो उसमें ही हुआ कि हमने उसी में से अपना दुख भी कशीद किया उसी में से अपनी हंसी भी निकाली लेकिन मैं लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आपने किसी भी फील्ड में कामयाबी हासिल करनी है तो इश्क कर लें आपने मेरी बात को यही रोका और इस इश्क को आप माशूक की तरफ ले गई ठीक है मैं कहना चाहता था इश्क काम से भी हो सकता है वो फिर आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा सही और माशूक के हवाले से अगर मैं आपसे जानूं तो उस हवाले से आप मुझे बताएं कि शादी से पहले अभी तो आपकी वाइफ प्रोग्राम देखेंगी तो मारेंगी मुझे पकड़ के कि किस किस्म के सवाल पूछ रही है लेकिन ये कि शादी से पहले कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हो आपके उस हवाले से बताएं नहीं आप क्वेश्चन पूछें वो हरगिज नहीं मारेंगी मुझे तो अब उन्हें मारना छोड़ दिया पहले आप पिटते रहे नहीं नहीं मैं तो कहता हूँ वो शोहर ही नहीं है जो बीवी से ना पिटे हाँ और एक और भी तो कहा जाता है कि हर शरीफ शोहर जो है हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है तो आप अपनी बीवी से डरते हैं नहीं मैं आपको आप शरीफ नहीं है नहीं मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ आपने ये कहा ना कि हर शरीफ आदमी बीवी से डरता है तो मैं बीवी से इसलिए डरता हूँ ताकि वो मुझे शरीफ समझे नाइस यू आर स्मार्ट तो काशिफ कह सकती हूँ ना आपको यू आर ऑल ओके विद इट अच्छा मैं आपको बताता हूँ जी ऐसा ही वाकया मेरे साथ मुंबई में हुआ एक बहुत अच्छी हमारी ईपी थी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर तो वो मुझे काशिफ कह रही थी तो हमारे जो थे ना जिन्होंने हमें उस शो पे रखा था या उनसे भी कोई बड़े थे उन्होंने कहा जी आप यहाँ पर किसी को नाम लेकर नहीं पुकारेंगी जिसका भी नाम लेंगी उसके साथ जी लगाएंगी काशिफ जी जी और मैंने फिर ये कहा कि अगर आप उसके साथ जी लगाएंगी तो उसे ज़रूर बताएंगी ठीक है तो आप क्या चाहते हैं कि मैं काशिफ के आगे जी लगाऊं आप जी लगाएं मैं जी लगाऊं तो काशिफ जी आप बताएं कि हु इज योर रोल मॉडल मैंने कहा आप जी लगाएं अच्छा तो काशिफ हु इज योर रोल मॉडल आपकी बातें समझना जो है ना आप बड़ा मुश्किल काम है वैसे अब कुछ मतलब जो है ना वो मैं आपसे मुझे लगता है प्रोग्राम की बात पूछ रही होंगी कि इस बात का मतलब क्या था जो लोग देख रहे हैं जो मुझे समझते हैं वो सब मतलब समझ रहे हैं वो सब मतलब समझ रहे हैं मेरे अच्छा, जो है ना सर के ऊपर से कुछ बातें गुजर रही हैं टू बी ऑनेस्ट कोई बात नहीं देखिए
शुक्र है कि सर के ऊपर से गुजर रही है। पैरों के नीचे से भी निकल सकती है। सही। सो हु इज योर रोल मॉडल, या मैं अगर जानना चाहूँ कि कौन थ्रू आउट आपकी लाइफ में आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट रहा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक वैसे तो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये जो लाइव शोज वाला काम है ना, स्टैंड अप कॉमेडी, ये कुछ अलग ही है। ये अपने अंदर एक अलग शान लिए हुए है, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली परफॉर्मेंसेस का मौका मिलता है। यानी कि मुझे लगता है कि अगर मैं टीवी शीवी करता रहता ना, तो शायद फिर यहीं तक महदूद रहता, लेकिन लाइव शोज ने हमें ये किया कि पाकिस्तान से बाहर आधी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह दिखा दी। सही। तो मेरे जो यानी कि मुझे इस फील्ड में बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया जिन्होंने, वो बहुत ज़बरदस्त एंटरटेनर थे, उनका नाम था तनवीर खान। तनवीर खान तो वो अपनी तर्ज के बहुत ज़बरदस्त इन पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान ओके, और उन जैसा यानी कि बहुत सारे लोगों ने उनको देख के कॉमेडी शुरू की और बहुत अलग उनकी पहचान थी। सही। लेकिन वो ये हुआ कि मेरे अंदर शायद कोई ऐसी चीज़ थी कि मैं होता ना कि अंदर लाशऊरी तौर पर मैं शायद लहरी साहब से मुतासर था। अच्छा ये बात मुझे और लोगों ने बताई, मुझे नहीं आपको अंदाजा नहीं हुआ। क्योंकि मैं जैसे जुमला कभी दे देता था किसी को, तो लोग कहते यार तुम्हारा ये स्टाइल जो है ना थोड़ा सा लहरी साहब जैसा। फिर मैंने लहरी साहब से मुलाकातें भी रही माशाल्लाह मेरी, और वो जमाने में बीमार थे और बीमारी में भी जो है वो एक दो दफा मुलाकात हुई। तो फिर मैंने सोचा यार ये वाला काम ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जुमला तोड़ना जोड़ना या फिर जुमले को मरोड़ना ये जरा काम है। अच्छा काम है। तो अगर बाहर पड़ोसी मुल्क की बात करूँ, यकीनन आप गए होंगे, आपको वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी होगी सपोर्ट की शुरू में, तो वहाँ अगर मैं आपसे जानूँ कि किसकी सपोर्ट रही शुरू में, आपने क्या मुश्किलात आई, क्या कुछ फेस किया, इस हवाले से बताएं। अच्छा हम लोग खुशकिस्मत थे। हाँ जितनी स्ट्रगल हमने पाकिस्तान में करनी थी कर ली, जब हम हिंदुस्तान गए तो वहाँ स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। एक बहुत ही कामयाब शो था, उसका हम पार्ट बने और वो पहले ही प्रोग्राम के बाद वो ऐसा हो गया जैसे बम नहीं हो जाता ऐसा हो गया। तो वहाँ पर ऐसा नहीं था जैसे यहाँ हमें था किसी का साथ चाहिए था, किसी की सपोर्ट चाहिए थी, किसी किसी को यानी कि रिक्वेस्ट भी करना पड़ता। अच्छा, आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो फेम आपको पड़ोसी मुल्क से मिला वो अपने मुल्क से नहीं मिला? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे आपकी फैन फॉलोइंग ज्यादा रही बनिस्बत पाकिस्तान के। हम आपको एक बात बताते हैं कि देखें पाकिस्तान में ये जो 2000 के बाद डिश चलती थी ज्यादातर या केबल चलता था, तो हमारे चैनल्स बहुत पीछे चले गए थे और खास तौर पे प्राइवेट चैनल्स जो है उनका कंटेंट जो है वो उतना मजे का नहीं होता था। तो वो वाले चैनल्स चलते थे, यही वजह थी कि उन्होंने अपने चैनल्स को यहाँ पर या अपने प्रोग्राम्स को हमारी ऑडियंस को भी कैप्चर करने के लिए पाकिस्तान से लोग बुलाए। सही। और आप समझते हैं कि स्टेज शोज की तरफ भी रुझान कम हो गया था लोगों का? देखिए स्टेज शोज जो है, जो आपके जहन में बात है स्टेज शोज वाली, वो स्टेज ड्रामे हैं। स्टेज ड्रामा ठीक है। स्टेज शोज हमेशा से हिट रहे। स्टेज शोज होते थे कॉन्सर्ट जिसे आप कहते हैं जी। अब वो कॉन्सर्ट जो है एक तो वो होता है टिकट वाला जी, एक होता है जो किसी कंपनी का एनुअल प्रोग्राम होता है कुछ ऐसा होता है। हम जो पार्ट होते थे कॉन्सर्ट का पार्ट होते थे जो हमेशा से खिड़की तोड़ रहा। हाँ। क्योंकि ड्रामा तो ये था कि वहाँ पर एक मखसूस कंटेंट सालों से डिलीवर हो रहा था। सही। और वो जो लोग देखने जाते थे एक डिफरेंट मेंटालिटी के लोग थे, वो वहाँ जाकर उसको एंजॉय करते थे और फिर उन्होंने उनकी एंजॉयमेंट के पेश नज़र तब्दीलियाँ भी की अपने कॉन्टेंट में, कुछ डांस वगैरह भी ऐड कर लिया था। सही। लेकिन हम जो लोग काम करते थे ना, हम करते थे लाइव कॉन्सर्ट्स, लाइव शोज, लाइव स्टैंड अप कॉमेडी के शोज, तो ये कभी हल्के नहीं हुए। क्योंकि ये तो एक तो ऑलरेडी ऐसा होता था कि पेड होते थे, एक होता था जो टिकट बेस होता था। तो हमारा जो ये वाला काम था ये एप्रिसिएशन से भरा हुआ था। और वो दौर ऐसा था कि कराची में एक एक रात में हम 8-8 प्रोग्राम्स करते थे।
और ये मैनेज कैसे कर रहे होते थे सब कुछ? लाइव स्टैंड अप कॉमेडी करना मतलब पूरी स्क्रिप्ट याद होनी चाहिए, फिर आप बीच में लाइंस भी नहीं भूलें, फिर आप परफॉर्म भी अच्छा करें, तो सब कुछ एक साथ, हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू मैनेज एवरीथिंग? देखिए ये अलग ही दुनिया है ना. हाँ. जब हम ये काम कर रहे हैं हमें ये पता है कि इस वाली ऑडियंस में कौन सा कंटेंट डिलीवर करना है. हाँ. अगर आप कोई कॉर्पोरेट शो कर रहे हैं तो आपको उनको कहाँ पर एंटरटेन करना है, अगर आप किसी शादी के प्रोग्राम में जाते हैं वहाँ की लाइव ऑडियंस को कैसे करना है, तो ये एक होता था. अच्छा, वैसे जिस तरह से आप बात करते हैं बड़ा ठहराव है एंड यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन. कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कभी जिंदगी में थप्पड़ वप्पड़ मारा है? वैसे नहीं, फड्डा हुआ है आपका? बहुत ही कम, कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके शायद हुआ हो, लेकिन हाँ. आप वो मेरे ख्याल से एक्टिंग में ही जो है वो सारी कसर पूरी कर लेते होंगे. जुमला, एक्चुअल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जुमला होता है ना, मैं हाँ. मजाक में कहता हूँ कि मैं जुमला किसी को देता हूँ, वो जुमला तो होता है लेकिन बगैर नुक्ते के होता है. बगैर नुक्ते के होता है. अब ये भी समझना, ये भी मेरे सर के ऊपर से नीचे से नुक्ता निकाल गुजर गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ मेरे साथ. अच्छा, हाँ बताए, समझाए भी ना कुछ बातों के मतलब, समझाया भी करे. अगर मैंने कोई जुमला दिया तो वो जुमला होता है लेकिन बगैर हाँ. नुक्ते के, यानी कि अगर आप जुमले से नुक्ता हटा दें तो क्या रह गया? हमला. हाँ, तो लोग उससे डरते हैं. सही. और मुझे जरा ये आशिकी के हवाले से बताएं जरा कि कितनी लड़कियां आप पे फिदा होती थीं और फैंस के हवाले से भी मैं जानूंगी, लेकिन पहले जरा मैं आपकी जो दिलों के हाल तो अल्लाह जानते हैं. हाँ ठीक है, बाकी ये आपके दिल का हाल आप जानते हैं. नहीं, मैं अगली बात ये कह रहा था कि दिलों का हाल अल्लाह जानता है जी, लेकिन मोबाइल फोन का हवाल आप ही के पास होता है. और आपको ना पासवर्ड लगा के रखना चाहिए. पासवर्ड लगा के रखना चाहिए, जैसे कि हमारे एक दोस्त के साथ भी हुआ. ये मशवरा शादीशुदा आदमियों के लिए नहीं. अच्छा, मैं शादीशुदा वालों को भी बताऊंगा. जी जी, मेरे दोस्त के साथ हुआ. हाँ, घर गए तो सफेद शर्ट पर लाल निशान था, तो भाभी साहब ने पूछा कि ये निशान कहाँ से आया है. हाँ. तो उन्होंने बहाना बनाया कि बर्गर खा रहा था, केचप लग गई. सही. रात को 3 बजे झंझोड़ के उठाया, कहने की उठिए केचप की कॉल आ रही है. तो मैं दोस्तों से कहता हूँ, खास तौर पर जो आपने कहा ना, जो शादी, अच्छा शादी शुदा नहीं कहता मैं किसी को, मैं शादी ज्यादा कहता हूँ. शादी ज़दा, थोड़ी मज़लूमियत ज़्यादा है इसमें. हाँ. होता है ना सैलाब ज़दा, ज़लज़ला ज़दा. हाँ. हम दोनों इस वक्त शादी ज़दा हैं इस वक्त से. आप शादी ज़दा के साथ साथ हम लोग दहशत ज़दा भी हैं. शादी की दहशत ज़दा होते हैं ना, यानी कि मैंने आपको बताया ना कि मैं इसलिए बीवी से डरता हूँ ताकि वो मुझे शरीफ समझे. हाँ. तो हम दहशत ज़दा हैं और खौफ ज़दा भी हैं. हाँ. तो हम जो शादी ज़दा लोग हैं उनसे कहते हैं कि अपनी सबसे करीब वाली गर्लफ्रेंड का नंबर हाँ. उसके नाम की जगह बैटरी लो लिखकर सेव कर लो. बैटरी लो. हाँ. तो बैटरी लो कॉलिंग लिखा हुआ है. जब रात को 3 बजे कॉल आएगी ना तो हाँ. उसको लिखा आएगा बैटरी लो. राइट. तो बेगम साहिबा खुद फोन उठा के आपको देंगी और कहेंगी इसको चार्जिंग पे लगा दो, आपकी बैटरी लो. आई सी. ठीक है, ये तो आपसे हमने अच्छे मशवरे ले लिए. खासतौर से जो शादीशुदा आदमी इस वक्त देख रहे हैं ये प्रोग्राम, उनको कितनी अच्छी टिप्स मिल रही होंगी आपसे. एक और टिप्स बड़ी खतरनाक. जी जी बिल्कुल. बचाना भी चाहता हूँ दोस्तों को. हाँ. कि हम लोग ना आजकल ये स्मार्टफोन के जो यूजर हैं. हाँ. मैं सबसे कहता हूँ स्मार्टफोन को, ये जो टच फोन है ना जी, इसको भी आपको सही जगह से टच करना आना चाहिए. मसलन अगर आपने इधर उधर टच कर दिया ना तो ये भी बड़ा खतरनाक रिस्पॉन्स देता है. जैसे हमारे एक दोस्त, वो घर में उनके लड़ाई हो रही थी. हाँ. मैंने पूछा आज भाभी इतने गुस्से में क्यों हैं, बोले गलती मेरी है, मैंने आपकी भाभी की तस्वीर फेसबुक पे डालनी थी, गलती से OLX पे डल गई. ओह माय गॉड. तो इसलिए हाँ. आपको ये ध्यान रखना चाहिए. सही. क्योंकि ये जो हाँ. टच फोन है ना, इसने बड़ी तबाही मचाई. मेरा बेटा जो है वो हर वक्त ना फोन इस्तेमाल करता रहता है जी. तो मैंने एक दिन उसको समझाया, मैंने कहा बेटे ये फोन से बाहर भी एक दुनिया है. बोले अच्छा, लिंक भेजे. फिर क्या आपके क्या आगे से कमेंट्स थे इस बात पर? यही वाले जो आपके है ना, यही वाले है ना. आप अपना नाम ट्यूबलाइट रख लें आज से.
क्यों? क्योंकि आप बातें ही ऐसे सर के ऊपर से गुजर रही है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या क्या नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ कि जब मैं इंडियन लाफ्टर चैलेंज में गया जी, तो सिद्धू जी जो है वो सामने बैठे होते थे। हाँ। तो मेरी दो परफॉर्मेंसेस के बाद वो मुझे प्यार से पायलट कहने लगे। पायलट? और वो क्यों? तो मैंने भी पूछा क्यों। हाँ। तो कहने लगे यार तेरी अक्सर बातें ऊपर से चली जाती हैं। हाँ ऐसे ही हो रहा है जब से प्रोग्राम में बैठी हूँ। और मजे की बात, मैंने यूट्यूब पे आपके कई शोज देखे हैं और मैंने कई होस्ट को कंफ्यूज होते हुए देखा है, उन्हें समझ में ही नहीं आ रही होती आपकी बातें। और पता नहीं वो बाद में प्रोग्राम के बाद मतलब पूछते हो तो पूछते हो, मैंने कुछ बातों का मतलब पूछना है आफ्टर द प्रोग्राम, मैंने सोचा हुआ है। तो कभी कभी तो रात को 3 बजे फोन आ जाता है कि यार इसका क्या मतलब था। सोते हुए दिमाग में बातें घूम रही होंगी ना। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो टच फोन है ना, हाँ, हम लोग सोचते हैं कि स्मार्टफोन आ गया है, अब हम इसमें अपना थंबप्रिंट लगा लेते हैं और उससे ये लॉक रहेगा और अनलॉक कर लेंगे हम। हाँ। जब चाहेंगे। हाँ। और वो इत्मीनान से रात को सो जाते हैं थंबप्रिंट लगा के। सही। अब आप सोचें, हम बचपन से एक मिसाल सुनते आए कि सोया मरा बराबर होता है। और ये जो सेल फोन जो मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं, ये अब तो इनमें इतनी रेस लग गई है कि ये कहती हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो 0.05 मिली सेकेंड में थंब प्रिंट स्कैन करके आपको फ़ोन अनलॉक कर देता है। तो आपको क्या पता कब खुल गया। That's right. तो ये किस दिन एहसास होता है? हाँ। जिस दिन सुबह जब आप नाश्ते की टेबल पर बैठे हो तो एक जला हुआ अंडा मिले, काली सी चाय मिले, तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि बाबू कुछ काम खराब हो गया। कुछ काम खराब हो गया। तो इसकी भी टिप है मेरे पास, बताइए प्लीज। रीस्टार्ट करके सोया करें रोज, क्योंकि जब रीस्टार्ट होता है तो फिर पासवर्ड चाहिए होता है। फिर पासवर्ड चाहिए होता है। और आप पासवर्ड चेंज भी करते होंगे? नहीं, हमने ऐसा लगा रखा है कि कोई गैस ही नहीं कर सकता। वो मैंने फर्स्ट गर्लफ्रेंड के नाम पे रखा। अब वो मुझे पता है, फर्स्ट गर्लफ्रेंड का नाम आप ही को पता है। मैंने बताया नहीं, मैंने कहा ये अच्छा है। मुश्किल नाम था वैसे? नहीं, पहले तो यकतरफा प्यार होता था ना, वन साइड। हाँ, सो इट वाज लव फ्रॉम योर साइड। सामने वाले को पता ही नहीं कि आप कोई उससे मोहब्बत भी करते। और किसी ने आपसे मोहब्बत की हो? की होगी, इजहार नहीं किया लोगों। अच्छा, फैंस के हवाले से बताएं, किसी फैन ने कोई ऐसी हरकत की हो जो आपको याद हो कि वाकई में दिस वाज समथिंग वेरी डिफरेंट, ही और शी डिड? शी का जरा बताइएगा। नहीं देखिए, फैंस एक जमाना था ना जब नंबर मांग लेती थी, तो हमने भी कार्ड छपा के फेसबुक पे ऐड कर लेते। अब राइट नाउ तो ढूंढना तो बहुत ही आसान हो गया। पहले होता था कि जब आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो गई, बहुत हिट हो गए, अब नीचे उतरे तो फिर लोग कोई हाथ लगा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई मेरे साथ तस्वीर, कोई ये कोई वो। हाँ। उसमें से कोई एक हमारा दिख जाता है, तो फिर वो विजिटिंग कार्ड होते थे जमाने में, चिपके से पकड़ा। हाँ, तो वो आप देख के पकड़ाते थे कि हाँ प्रेजेंटेबल है, ये इसको देना चाहिए। मांगा उसको दे दिया, दे दिया। वो क्या, तो बाद में परेशान नहीं करते थे फैंस आपको? एक दफा हुआ ना रात को 3 बजे कॉल आ गई, क्योंकि उस पर टाइम नहीं लिखा हुआ था ना कि 3 बजे मैं घर पे होता हूँ। और उस जमाने में लैंडलाइन होते थे। बस मैं जो शादी ज्यादा होने की बात कर रहा हूँ जी, तो मैं उसी वक्त मेरी शादी हो गई थी जब मोबाइल फोन नहीं आया था। हाँ। और लैंडलाइन पे रात को 3 बजे कॉल आ रही है आपको? मम्मी ने उठा ली। फिर कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा कि ये खातून थी ना, उन्होंने कहा ये कौन है, मुझे तो नहीं पता, वो कल आएंगी घर पे, फिर पता लगेगा। सही। अम्मी भी मेरी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ओके ओके। एंड योर मैरिज वाज इट लव और अरेंज? नहीं, अरेंज बाकायदा। हमसे तो कोई करने पे राजी नहीं था। क्यों? क्या खराबी आप में? देखो, काम क्या करता है फिर? बोले जी शो बिजनेस में। बोले नहीं, काम क्या करता है, एक्टर है। नहीं, काम क्या करता है। हाँ। ये तो कोई काम, तो एक्टिंग कोई काम नहीं हुआ। तो जब वैसे जब आप इस फील्ड में आए तो तब नहीं माँ बाप ने? खराबी नहीं है राइट, लेकिन नहीं ऐसा भी नहीं, गंदी मछलियां हैं भी।
ऐसा तो नहीं कह सकते कि गंदी मछलियां नहीं है इस फील्ड में। आपने पूछा कि आप में क्या खराबी थी, मैंने कहा अच्छा आप में कोई खराबी भी नहीं है। सही तो काशिफ, मेरे ख्याल से बातें काफी हो गई, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए आपके साथ जल्दी से। आपने काशिफ कहा वैसे जी, लड़कियां काश इफ कहती हैं। काश इफ, और ये कब से कहती आ रही है? और अभी तक आपका जमाना गया नहीं है? नहीं, अभी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और कब तक और ऐसे ही रहने का इरादा? जब तक है जान। और इस जवानी के पीछे का राज क्या है? इस जवानी के पीछे, हाँ, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है। एक औरत होती है तो, और... लेकिन उसमें एक ही रखना है आपने, मकदार बढ़ानी नहीं है। मकदार बढ़ानी क्योंकि अगर मकदार बढ़ा देंगे ना तो फिर ये राज राज नहीं रहेगा। राइट, चलते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। सबसे पहले मुझे बताएं, टेक्स्टिंग या टॉकिंग? फेम और मनी? दोनों नहीं। दोनों नहीं, खूबसूरती। खूबसूरती, फेम और रिस्पेक्ट होना चाहिए इंसान। हाँ। देखिए लबो लहजा भी अच्छा होना चाहिए। हाँ। चेहरे की नहीं, गुफ्तार में। हाँ। पैसा मायने नहीं रखता? नहीं, नहीं, पैसा क्या चाहिए, फेम मायने नहीं रखता। देखिए ये दोनों चीजें आपकी आपकी दस, यानी कि ये दोनों चीजें आप नहीं हासिल कर सकते, ये दोनों किस्मत से आती है। किस्मत से आती है, लेकिन जो खूबसूरती या खुश गुफ्तारी है, खुश अखलाकी है, ये आपकी दस्तरस में है, आपके काबू में। एंड रिस्पेक्ट वो तो इसके बाद आता है ना, जब आप, जब आप फेम आ जाता है। नहीं देखिए, पैसा इखलाक और किरदार। ओके, जब इखलाक अच्छा है, किरदार अच्छा है, गुफ्तार अच्छी है ना, तो लोग रिस्पेक्ट करेंगे। पैसा तो फिर, यानी कि पैसा ना आप आते को रोक सकते हैं ना जाते को रोक सकते। सही, फेम भी जो है ओवर द नाइट आ और जा सकता है। रातों रात आप मशहूर भी हो सकते हैं और रातों रात आपका काम तमाम हो सकता है, काम तमाम भी हो सकता है, लेकिन गुफ्तार जो है ना वो आपकी इज्जत बरकरार रखती है। हाँ। तो मेरे हिसाब से इखलाक, किरदार और गुफ्तार, लोग अभी तक इखलाक और किरदार के पीछे हैं। मैं कहता हूँ लबो लहजा बहुत मायने। आप नहीं समझते लोग आजकल पैसे के पीछे है? नहीं होंगे, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपने तो मेरा पूछा। हाँ, ना सही, ठीक है, पैसे से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आप अच्छा दिखते हैं, मतलब हम आपका चेक नहीं दें आज आपको? कोई बात नहीं, वैसे पैसे तो नहीं नहीं, आई एम जोकिंग। ओके, सो आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन? नाइट। नाइट पर्सन। आपको लगता है वैसे मेजॉरिटी मीडिया वाले रात में जाग रहे होते हैं और दिन में सो रहे होते हैं, ऐसा है? मुझे लगता है कि, लेकिन हमारा तो काम से रिलेटेड है। सही, ठीक है। अगर इन एक्टर्स को आउट ऑफ 10 रेट करना हो तो कितने नंबर्स देंगे फवाद खान? देने, पूरे देने, 10 out of 10, ही इज अ गुड एक्टर। फहद मुस्तफा? फहद को भी दे दे, बल्कि फहद को तो एक ज्यादा दे, पता है फहद मुस्तफा। हाँ। ये फवाद खान से भी ज्यादा मुझे लगता है आपके फेवरेट है। नहीं, फेवरेट की बात नहीं, मैं आपको एक बात बता, पसंद ना पसंद अपनी जगह। हाँ। लेकिन जो आदमी काम कर रहा होता है ना, उसको एप्रिसिएशन उसके लिए जरूरी है। हमें जो शिकवा शिकायत है दुनिया से, वो यही है कि एप्रिसिएशन कॉमेडियंस को ना एप्रिसिएशन नहीं मिलती। आप हंसते हैं, खेलते हैं, फिर बाद में कहते हैं अब वो जा रहा। रियली? हाँ, ऐसा होता है हमारा। आप देख लें, आप अमानुल्लाह साहब से लेके और हमारे इधर उमर भाई से लेके, सिर्फ जो रिस्पेक्ट बनाई थी ना मोइन अख्तर ने बनाई, तो मून भाई को उमर शरीफ साहब ने बहुत काम किया, बहुत नाम बनाए, लेकिन उनकी जो है ना, जो मैं ही समझता हूँ कि रिस्पेक्ट मरने के बाद ज़्यादा हुई, इंतकाल के बाद लोग उनको, बस वो बात वही है ना, मरने के बाद ही कदर आती है एक्चुअल। ये तो ड्रॉबैक है हमारा, ऐसे ही है, लेकिन मरने तक काम भी तो ऐसे कर जाओ। उमर भाई ने काम कितना किया कि दुनिया याद करे, कि फिर रिस्पेक्ट भी उसी हिसाब से। हम ये सोचते हैं अगर हम कल कला को मरे तो हमें इतनी नहीं मिलेगी। हाँ। क्योंकि हमारे हिस्से में काम ही नहीं है। सही, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं हकीकत है ये, देखिए हकीकत से तो जी नहीं चुराना चाहिए। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। इमरान अब्बास? अच्छा, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हाँ नहीं, वैसे भी जिंदगी में नहीं, मैं तो आगे बढ़ रही हूँ, मेरे तो जिंदगी में कोई फुल स्टॉप नहीं लगा। चले बिल्कुल ठीक है, इमरान लोग रेस लगा लेते हैं एक ही ट्रैक पे। ठीक है, कभी मैं आगे कभी आप आगे। सही है, सही। इमरान अब्बास? इमरान अब्बास भी ठीक है, ठीक है। मैं आप ठीक है, नंबर 3 पे कर रहे हैं। नंबर नहीं, इनको 3 out of 10 दे रहे हैं आप? नो, देखिए उनको 11 दिए, को 10 दिए, इनको 9 दे, इनको 9 दे देते हैं। ठीक है, लेकिन अगला नाम बताएं फिर मैं देखूं। हुमायूं सईद? हां, हुमायूं सईद को नंबर ले गए? नहीं, सब में उनको एक नंबर और कम दें।
एक नंबर और कम दें। अच्छा, मुझे लग रहा था आपने शायद हुमायूं सईद को सबसे ज्यादा नंबर देने, क्योंकि हर मूवी में वही नजर आ रहे होते हैं। देखिए, कुछ एज फैक्टर होता है, कुछ लोग होते हैं जो जबरदस्ती जवान रहना चाहते हैं। नहीं तो ये वैसे ट्रेंड है, आप लॉलीवुड देख ले, आप बॉलीवुड देख ले, एक्टर्स आपको 50 साल पुराने नजर आ रहे होंगे और एक्ट्रेसेस जो हैं वो यंग बच्चियां भी जो हैं वो उनके साथ वो बना देते हैं जोड़ी दोनों की और मूवी हिट भी हो जाती है। इंडिया पाकिस्तान में ना ये चक्कर है, उम्र रसीदा हीरो, जितना ज्यादा उम्र बढ़ती ना मैच्योरिटी बढ़ती चली जाती है, फिर जो लोग आकर उस जगह पर कब्जा कर लेते हैं उनसे लड़ाई है भाई, दूसरों को भी आने दो यार, आप प्रोड्यूस करें फिल्में, औरों को ले, जरूरी थोड़ी कि आप खुद ही प्रोडक्शन भी कर रहे हो, खुद ही फाइनेंसर भी खुद हो, प्रोड्यूसर भी खुद हो, हीरो भी खुद हो। तो सही, मथीरा और साहिल लोधी डूब रहे हैं, दोनों में से किसी एक को बचाना हो तो किसको बचाएंगे आप? ये एक सवाल आपने बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन कर दिया। मेरा ख्याल है कि मैं भाग जाऊंगा वहां। आप भाग जाएंगे, दोनों को नहीं बचाएंगे, दोनों को डूबने देंगे। अगर इन लोगों में से एडवाइस देनी हो तो किसको क्या एडवाइस करेंगे आप? हरीम शाह को क्या एडवाइस करेंगे? अच्छा, क्योंकि मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं है इस वजह से तो मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन नो एडवाइस फॉर हर, यू थिंक शी इज गोइंग गुड? अच्छा देखिए, क्योंकि मेरा मुझे नहीं इतना आइडिया, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ उनकी शोहरत जो है वो थोड़ी बैड साइड पर ज्यादा है, तो मुझे थोड़ा सा उसको बेहतर करने की जरूरत, बेहतर करने की जरूरत है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मीरा, मीरा, मीरा जी। अच्छा मीरा जी, मीरा क्या, नहीं मेरा मीरा, मीरा तो क्या समझाना है बताएं, कुछ समझाना नहीं, नहीं एडवाइस देनी है आपने। नहीं, इंग्लिश बोले और बड़े धड़ल्ले से बोले, वो धड़ल्ले से तो बोलती है लेकिन उनको समझने की जरूरत है कि मजीद बोले, मजीद धड़ल्ले से बोले। मैं आपको बात बताऊं, मीरा से अच्छी खातून नहीं है, नफीस और बहुत उम्दा खातून है जी, उनको मीडिया में रहने का हुनर आता है, ठीक, तो इस पे वो कायम रहे। सही, वीना मलिक। अच्छा वीना मलिक अच्छी है, प्यारी है, उनको क्या क्या कुछ कहना है? नहीं, कोई एडवाइस नहीं देना चाह रहे आप उनको? चले हम पॉलिटिशियंस की तरफ चले जाते। मेरा ख्याल है कि वीना मलिक को, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद काम से दूर हो गई, उनको थोड़ा काम करना चाहिए। आपको काम करना चाहिए, आप काम नहीं कर रही, मतलब आप स्क्रीन पर नजर नहीं आ रही है इन शॉर्ट आजकल, क्योंकि देखिए बहुत अच्छा कंटेंट होता है उनका, और बल्कि हमारी फील्ड की एक बड़ी एक नोन पर्सनालिटी एक अच्छे लेवल तक पहुंच कर अचानक गायब हो जाना, तो थोड़ा सा राइट। अच्छा, कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं जिनको मैं चाहूंगी कि आप कुछ एडवाइस दें, कोई ऐसी फनी सी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? बिलावल, देखिए एडवाइस के अलावा आपने जिस शख्सियत का नाम लिया है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब अगर जान डाली है किसी ने तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी है, तो उनको इसी तरह जिद्दोजहद करनी है और आगे जो उनका एम है उसको पूरा करना चाहिए। यू सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? अच्छा, मैं हर पॉजिटिव आदमी को सपोर्ट, आप किसी एक पार्टी की साइड नहीं है? नहीं देखिए, मैं पॉजिटिविटी को सपोर्ट करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो सड़क है वो बन जाए, उसके अलावा जो जहाँ जहाँ बहुत सारी चीजें नहीं है ना, जैसे बच्चों की एजुकेशन पर बहुत ज्यादा रुझान नहीं है हमारा, फिर आजकल जो एग्जामिनेशन का माहौल हो गया ना कि नकल और बहुत जरा मामला इस तरह के हो गए, तो मुझे लगता है कि नकल से पैसे दे के नंबर तो अच्छे आ जाते हैं लेकिन वो जो शऊर और तालीम होनी चाहिए वो नहीं, तो जो आदमी मेरे मसले हल करेगा मुझे वो अच्छा लगेगा। इमरान खान हमारे मसले हल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इमरान खान हमारे मसले हल कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अभी देखे ना, सोशल मीडिया के लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक्ट निकाला है, पहले तो ये होता था जैसे आपका कोई कॉन्टेंट है यूट्यूब के ऊपर, आपकी कोई प्राइवेट पर्सनल वीडियो किसी ने अपलोड कर दिया है गलत कैप्शन के साथ, तो आप यूट्यूब को अगर उसकी रिपोर्ट करती थी तो यूट्यूब की मर्जी थी वो हटाता या नहीं, अब आप पीटीए को रिपोर्ट करेंगे, पीटीए उसकी दवड़दूस कर देगा। लेकिन पीटीआई के वोटर्स वैसे खुद मायूस दिखाई दे रहे हैं, बट खैर दिस इज अ सेपरेट डिबेट, हमारा जो प्रोग्राम है वो करंट अफेयर्स की तरफ चला जाएगा, आगे बढ़ते हैं। असल में देखिए, हुकूमत जो है ना वो एक गर्म तेल है एक कढ़ाई के अंदर, उसके नीचे अलाव जल रहा है, अब जो उसमें कूदेगा उसने तो जलना ही है, उसने तो जलना ही है, इसीलिए आप कूदे ही नहीं, आप बचे हुए। आपने कभी नहीं सोचा पॉलिटिक्स के हवाले से? वैसे ये सवाल रह गया,
मेरा एंटरटेनमेंट से ताल्लुक है, मैं चाहता हूँ हंसे मुस्कुराया। आसिफ अली जरदारी बेहतरीन पॉलिटिशियन, बेहतरीन पॉलिटिशियन है, करप्शन तो की नहीं है। नहीं देखिए, मैं करप्शन या जो भी चार्ज है ना, वो तो या तो मीडिया हमें बताता है। बेहतरीन पॉलिटिशियन मतलब काम अच्छा किया, सियासतदान अच्छे हैं। देखिए काम अच्छा या बुरा ये तो वो जाने जिनके, लेकिन मेरे हिसाब से सियासत के बाजीगर और उनसे अच्छी सियासत कोई नहीं जानता। शेख रशीद, शेख रशीद हर हुकूमत में रहने का गुर आता है। मरियम नवाज, हाँ गुड, वो मेरे ख्याल है कि अच्छा पंजाब फ्यूचर अच्छा है उनका, अच्छा फ्यूचर अच्छा है पंजाब की पॉलिटिक्स में। फिरदौस आशिक कवान, वो तो मेरे ख्याल आउटडेटेड हो गए, टाइम गुजर गया, राइट टाइम गुजर गया है आपका, आप फारिग हो चुकी हैं घर बैठे। फवाद चौधरी, मेरा प्रोग्राम बंद होने वाला है। फवाद चौधरी हमारे जो वजीर इत्तलात है, जी जी हाँ, बहुत स्पॉन्टेनियस आदमी है। हाँ। और वो जो कहते हैं ना फैसलाबाद के जो लोग होते हैं जी जी, तो बहुत पक्का जुमला फेंकते हैं, तो उनको ऐसे रहना चाहिए, उन्हें ऐसे ही रहना चाहिए। इसी बात के साथ इस प्रोग्राम को एंड करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच काशिफ जी फॉर जॉइनिंग अस, एंड आई होप यू एंजॉयड द प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स ने भी आज का प्रोग्राम एंजॉय किया होगा। इसी के साथ मुझे अपनी मेज़बान निदा अमीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।